डिजिटल अपडेट्स में आपका स्वागत अभिनंदन। तो आज एक नया टॉपिक लेना है। आज कोई शॉपिंग नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, दुल्हन अगर शॉपिंग करने जा रही है, दूल्हा अगर शॉपिंग करने जा रहा है, तो अगर वो सुंदर और चमकदार त्वचा चाहते हैं तो डिहाइड्रेशन से बचना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उनके चमकदार त्वचा के बारे में बातें करेंगे, किस प्रकार से उन्हें शादी के पूरे सीजन में या पूरे घर वालों के या फिर दूल्हा या दुल्हन के चेहरे को चमकदार और सुंदर त्वचा बनाई जाए, उससे डिहाइड्रेशन से किस प्रकार बचना है, कितनी तरह से पानी पीना है, क्या पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादी के वक्त दुल्हन और साथ में दूल्हे को सुंदर और चमकदार त्वचा के लिए डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी है। तो आगे हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन से किस प्रकार बचा जा सके। डिहाइड्रेशन को तनाव बढ़ा सकता है, त्वचा के गलों को कम कर सकता है। ऐसे में जरूरत है कि दुल्हन और दूल्हे को अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ ले। दुल्हन हर एक घंटे में एक गिलास पानी पिए। इसके अलावा साथ में जूस, छाछ व नारियल पानी का इस्तेमाल करें। पानी पीने के समय के अंतर को ट्रैक करने वाली बोतल आजकल मार्केट में उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल करें या पानी भरकर अपने सामने रखें ताकि वक्त के साथ आप अच्छी मात्रा में पानी को इंडक्ट कर सकें। शादी से पहले अगर आप जिम या कोई व्यायाम कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हर थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। वाटर फ्रूट्स और सलाद का सेवन करें। मौसमी, संतरा, नींबू, किन्नू, खीरा, गाजर, मूली, पालक, इन सभी में पानी अच्छी मात्रा में होता है। रात में एक गिलास पानी में 2 चम्मच चिया सीड्स भिगोकर उसे स्मूदी की तरह सुबह सुबह पी सकते हैं। तो ये सब है जो फलों के नाम है, जो कि इनके अंदर काफ़ी मात्रा में वाटर होता है, जल होता है, जिसको आप पीकर डिहाइड्रेट रहेंगे, जिससे डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगा और साथ में ही आपकी त्वचा सुंदर और चमकदार रहेगी। तो ये दूल्हा और दुल्हन दोनों आजमा सकते हैं, क्योंकि शादी में दोनों की त्वचा सुंदर होनी जरूरी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।